प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा? कौन सी बात की स्मृति सदा रहे, कौन सी बात की स्मृति रहे सदा? मैं अमर आत्मा हूं, तो फिर किसी भी बात की चिंता भी नहीं रहेगी और चिंतन भी नहीं रहेगा। ठीक बात है। याद रहे जो पास्ट हुआ, अच्छा वा बुरा, वो ड्रामा में था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा, पूरा होकर फिर रिपीट होगा। कोई भी एक्ट 5000 साल का पूरा चक्कर लगाने से पहले हो नहीं सकता। कोई भी एक्ट 5000 साल में केवल एक बार होता है, उससे पहले वो रिपीट नहीं हो सकता। फिर होगा तो कब होगा? ठीक 5000 साल बाद उसी सेकंड होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं, ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। तो मैंने जो भी करना है या कोई भी जो कुछ कर रहा है वो एक्यूरेट कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा, कोई एक्टर गलती नहीं कर रहा, उसका रोल वही है। किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या एक्यूरेट होगा, पता है हमें ड्रामा में गलती हो नहीं सकती, फिर एक्यूरेट होगा ना? तो उसकी चिंता करने की जरूरत है ना चिंतन करने की जरूरत है। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। जो बीत गया है उसको आप सोचेंगे तो उससे कोई वो ठीक तो ना हो जाएगा। आगे के लिए अपने आप को समझा दो कि फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छा किया है तो समझा दो ऐसे ही करेंगे, गलत किया है तो समझा दो कि ऐसा नहीं करेंगे, और अच्छा किया है तो समझा दो ऐसे ही किया करेंगे हमेशा, ये बेस्ट है। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो और ना सुना। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो, उसका विचार भी नहीं करो, उसे रिपीट भी नहीं करो, रिपीट कर नहीं सकते। मान लो हमने सवेरे रोटी बनाई थी, अब रोटी बना दी, परंतु सवेरे कोई और रोटी बनाई थी, अब कोई और रोटी बनाई, वो रोटी बना ही नहीं सकते हम।